नमस्कार साथियों, इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गणेंद्र, अभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ खबर जिसमें आपको भरोसा करना भी बिल्कुल आपका उठ जाएगा, भगवान पे से भी और दुनिया पे से। मामला है लड़कियों से जुड़ा। अभी 5 मई की एक खबर आई थी, दिल्ली में एकदम भूचाल मच गया था कि कुछ लड़कों ने, दिल्ली के पॉश डॉक्टर के स्कूल के लड़कों ने मिलकर कुछ लड़कियों के साथ सामूहिक रेप करने की एक प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये चीज बिल्कुल वायरल हो गई, तहलका मच गया। सारी की सारे महिला संगठन ये वो कैसे कैसे लड़के आ गए हैं, कैसे सोच सकते हैं महिलाओं के बारे में, ऐसे ऐसे सोचते हैं, बताइए छोटे छोटे बच्चे सामूहिक रेप करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब इतनी चुतिया पाकी सारी चीजें होती है ना दुनिया भर में, सारी की सारी ले आए वो है। ऊपर से दिल्ली जो महिला आयोग की अध्यक्ष है मालीवाल है, उसने बोला कि भाई तुरंत दिल्ली कमिश्नर को फोन लगाया, मैसेज किया, चिट्ठी लिखी, तुरंत इन लड़कों को गिरफ्तार करें। कितने गंदे तरीके से महिलाओं के बारे में सोचते हैं। इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कों ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बॉयज लॉकर ग्रुप। इस ग्रुप में वो छोटी लड़कियों की फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और यहां तक कि इस ग्रुप में वो मिलकर ये भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे छोटी बच्चियों का रेप किया जाए। ये बहुत ही डराने और चौंका देने वाला है। दिल्ली महिला आयोग ने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस इशू किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लड़के तुरंत अरेस्ट होने चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन ये बात किसी ने नहीं सोची कि ये पूरा का पूरा माहौल, लोगों को ये यूथ का जो माहौल है उनके लिए क्रिएट किसने किया। चलो ये तो बात छोड़ दिया, हमने ये लिंक पे डाला भी अपने खबर कि जो आप बोओगे वही तो काटोगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में नया खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी करतूत एक लड़की की है। बताओ ये सारा का सारा किया धरा लड़की का है भाई, उसी ने प्लान किया, उसी ने कहा कि उसने स्नैपचैट पे अपने दोस्त को मैसेज लिखा बनके सिद्धार्थ नाम का, उसने फेक अकाउंट बनाया उस लड़की ने और अपने ग्रुप में लड़कों के मैसेज को लिखा कि भैया एक लड़की का सामूहिक रेप करना है सबको चल तो लड़के ने कहा कि किधर क्या है, उसने अपने नाम से सिद्धार्थ बन के कहा कि हाँ हाँ करते हैं ओके, और खुद ही बोल रही है कि भाई उस लड़की का रेप करना है और भी लड़कों को ले आओ। जिस लड़के को ये मैसेज दे रही है पर्सनल, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने ये चैट, ताज्जुब की बात यह है कि उसने जो दो एक लड़का और लड़की के बीच में जो चैट हो रही थी, उसने ये जो चैट है ये अपनी कुछ फ्रेंड्स को दी इंस्टाग्राम पे और उस लड़की को भी दी जो सिद्धार्थ बन के घूम रही थी, सोचिए। और उस लड़की ने कुछ नहीं बोला है। जब पुलिस ने पूरी पूरी जांच की, उसने 5 दिनों में 6 दिनों में उसने गहन जांच की, उसने पाया कि जो वायरल हो रहा है स्क्रीनशॉट दरअसल वो किसी और स्नैपचैट का है जिसको यहाँ चिपका दिया गया है इंस्टाग्राम पे। और इसी तरह जब दिल्ली पुलिस ने देखा कई अकाउंट उसने छाने, तो पाया कि सिद्धार्थ जो लड़का है वो कोई लड़का नहीं है, वो एक लड़की है। वो लड़की इन अपने स्कूल के लड़कों का कैरेक्टर जानने के लिए, जो कितने मजबूत है अपने चरित्र में लड़कियों को लेकर, वो जानने के लिए उसने ये मैसेज लड़कों के पास भेजा। और ताज्जुब की बात है, जिस लड़के के पास भेजा वही लड़का उसे वापस शेयर कर रहा है कि देखो ये ग्रुप में इंस्टाग्राम पे चीजें वायरल हो रही है, तो सिद्धार्थ नाम का लड़का है वो फेसबुक इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पे लड़कियों के साथ गैंगरेप की प्लानिंग बना रहे हैं। तो इस तरह से भूचाल आ गया। मामला कुल मिला के यही है कि आजकल की दुनिया में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात ये आती है इसमें कि भाई एक तो तुरंत जो खबरें आती हैं सोशल मीडिया पे या टीवी पे या किसी पे भी, तुरंत उस पर रिलाय करने की जरूरत नहीं है, तुरंत कमेंट देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात में ज्ञान वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आजकल के समय में बिल्कुल लड़कियों पे जो आप भरोसा करके चलते हो ना, तो आप बोलते कि भैया लड़की तो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता गड़बड़, यहाँ अब उस पर आप थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि आजकल की लड़कियां भी उतनी स्मार्ट उतनी समझदार उतनी वो हो गई है कि वो भी टेस्ट लेने लग गई है, वो भी प्रैंक करने लग गई है, वो भी खेलने लग गई है लड़कों के साथ में बकायदा लड़का बन के। तो ये सोशल अकाउंट मीडिया और इनके सब थोड़े नुकसान भी है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस खबर ने जैसे ये पता चला देश में दुनिया में कि ये सब किया धरा एक लड़की का है, तो एकदम से भूचाल आ गया वापस से सोशल मीडिया पर, देने लगे जम के गालियां लड़कों को कि भैया इनका तो कुछ नहीं हो सकता, इन पर भरोसा करो। तब भी ये हाल है पर हमें लड़कों को ही बदनाम करने पे लगी हुई है। तो आपके इस बारे में क्या कमेंट है, आप भी विचार अपने शेयर कीजिए और देखिए कि आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं। आगे के लाइव न्यूज के लिए हम तुरंत ही आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी बाकी की खबरों के लिए हमारे वीडियो पोर्टल यूट्यूब चैनल इंडियन टीवी न्यूज पर बने रहिए।